ever feel that you're just running ads and doing other marketing stuff but getting no sales, no leads and no customers? So don't worry. Today, I will tell you the 5 step-by-step process to market any business. Yes, any business. It doesn't matter you are doing digital marketing or traditional marketing. You just have to follow these 5 principles to market any business. So before going to further, I strongly recommend you कि आपके पास एक खुद की वेबसाइट जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी प्रेजेंस आजकल ऑनलाइन वर्ल्ड में नहीं है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि आजकल लगभग हर बिजनेस ऑनलाइन वर्ल्ड में आ चुके हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस को जान चुके हैं। तो प्लीज आप सबसे ये रिक्वेस्ट है और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ कि आप आज ही एक अपनी वेबसाइट बनाओ, और वेबसाइट बनाने के लिए आप proworkly.com पे जा सकते हो और अपने लिए एक फ्रीलांसर हायर कर सकते हो। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि आपकी वेबसाइट कैसी बनेगी, आपको जस्ट फ्रीलांसर को हायर करना है और बाकी सब उस पर छोड़ देना है। सो गो एंड चेक आउट proworkly.com। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक 5 प्रिंसिपल टू मार्केट एनी बिजनेस। फर्स्ट इज डिफाइन योर गोल्स। आपको सबसे पहले अपने डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है। आपको आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए, आपको लीड चाहिए, अगर आपका फिजिकल स्टोर है तो आपको ज़्यादा कस्टमर्स चाहिए, या फिर आपको सेल्स चाहिए, आपको अवेयरनेस बढ़ानी है, ये आपको डिसाइड करना होगा सबसे पहले। क्योंकि अगर आपका कोई गोल नहीं है तो आपकी मार्केटिंग करने का कोई मतलब नहीं है आगे। आपको पहले गोल डिसाइड करना होगा, उसके बाद ही आप मार्केटिंग के बारे में आगे सोच सकते हो। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपका फर्स्ट गोल क्या है। द नेक्स्ट पॉइंट इज आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। लाइक हर किसी के अंदर एक स्ट्रेंथ होती है। आपकी अगर स्ट्रेंथ है डिजिटल मार्केटिंग तो आप डिजिटल मार्केटिंग प्रेफर कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग अच्छे हो, बैनर्स बना जानते हो कि बैनर्स कैसे अच्छे काम करते हैं कैसे नहीं काम करते हैं, तो आप बैनर्स के थ्रू भी ऐड कर सकते हो अपने बिजनेस का। बट अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो तो डिजिटल मार्केटिंग में भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, कॉन्टेंट मार्केटिंग, SEO आता है, डिजिटल एड्स आते हैं, गूगल एड्स आते हैं। इन सारी चीज़ों पे आपको ये देखना है कि आप किस में अच्छे हो। वैसे तो आप चाहो तो सब में भी ऐड कर सकते हो, सबको भी आप लेके चल सकते हो, बट यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। क्योंकि आपको फोकस होना इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप एक टाइम पे एक चीज़ चूज करते हो तो आप उससे बेटर हो जाते हो। तो आपको पहले एक चीज़ को चूज कर लेना है। लाइक अगर आपने डिसाइड किया कि आप SEO करना चाहते हो तो आप SEO पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। इससे क्या होगा कि अगर आप एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस करते हो तो फिर आपका पूरा ध्यान पूरा फोकस उस पर होता है और वो चीज़ें बहुत ही बढ़िया होती हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इज चूज वन मार्केटिंग चैनल। अब आपने डिसाइड किया है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है तो आपको मार्केटिंग चैनल को डिसाइड करना है। मार्केटिंग चैनल के लिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो लाइक इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, या फिर अगर आप ब्लॉग लिखते हो तो आपको ब्लॉग्स पे डिफाइन करना होगा कि आप कौन सा ब्लॉग किस तरह के कंटेंट बनाना चाहते हो जिससे कि आपके कस्टमर अट्रैक्ट हो। मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। आजकल कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है, लोग बहुत सारे ऐड रन करते हैं बट उनको कोई प्रॉफिट नहीं दिखता है। तो मैं आपको ये स्टेप्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल किसी मार्केटिंग फील्ड में। आप किसी को भी देख लो, आप गैरी वी को देख लो, आप टाई लोपेज़ को देख लो, वो सारे इन प्रिंसिपल को फॉलो जरूर करते हैं। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जस्ट फेसबुक पे जाओ फिर ऐड रन करना शुरू कर दोगे या फिर आपको बैनर लगा दोगे तो फिर उससे आपकी सेल्स होने लग जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये नहीं करना है। आजकल कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है। और इसके आज कोरोना वायरस के टाइम पीरियड में बिजनेस बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखनी होगी। और फिर से मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपने ऑनलाइन प्रेजेंस अब तक नहीं पढ़ाई है तो फिर आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। आपको आज ही से ऑनलाइन वर्ल्ड में आ जाना चाहिए और ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज अपसेलिंग एंड डाउन सेलिंग। अपसेलिंग और डाउन सेलिंग का मतलब ये होता है कि आप जब भी कोई ऐड रन करते हो तो आपका कोई कस्टमर तुरंत ही आपका कस्टमर नहीं बन जाता है। क्योंकि मैंने ये पढ़ा है कि कोई भी कस्टमर को कस्टमर बनने के लिए उसे काफ़ी सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। लाइक सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है अवेयरनेस, आपके कस्टमर को आपके ब्रांड के बारे में पता चलता है। फिर होता है कि वो धीरे धीरे डिसाइड करना शुरू करते हैं कि आपका प्रोडक्ट उसे चाहिए या नहीं, ये सेकेंड स्टेप होता है। फिर लास्ट में कहीं जाकर वो डिसाइड करता है कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहता है और लास्ट में फिर वो आपका लॉयल कस्टमर बन जाता है। तो ये सारे स्टेजेस कस्टमर एक बार फेस करता है तब जाके वो आपका कस्टमर बन पाता है। तो यहाँ अपसेलिंग और डाउन सेलिंग का मतलब ये है कि आपको पहले कुछ ऐसा देना है, लाइक आपको फ्री पहले कुछ प्रोवाइड करना है कस्टमर को, फ्री भी जिसे हम कहते हैं फ्री भी मार्केटिंग। ये भी एक स्टेज का प्रोसेस होता है किसी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने सेल्स को कन्वर्ट करने के लिए। आप अपसेलिंग डाउन सेलिंग में ये कर सकते हो कि आप कुछ कूपन्स प्रोवाइड कर सकते हो, डिस्काउंट कूपन प्रोवाइड कर सकते हो, या आप कुछ फ्री में दे सकते हो, या फिर कुछ ऐसा जो कि कस्टमर के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल हो, उसे लगे कि हाँ ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है मेरे लिए बहुत काम आएगा। तो इसे हम कहते हैं अपसेलिंग एंड डाउन सेलिंग। अपसेलिंग में हम कभी कभी हाई प्राइस प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, डाउन सेलिंग में हम कभी कभी लो प्राइस की चीज़ें सेल करते हैं। तो इसे हम कहते हैं अपसेलिंग एंड डाउन सेलिंग। नाउ द फिफ्थ स्टेप इज गेटिंग योर कस्टमर्स।
अब जब आपने ये सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिया है तो अब आपके कस्टमर जो हैं वो अवेयर हो चुके हैं आपके बारे में कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विसेज क्या है, बट अभी भी वो कन्वर्जन पे नहीं आएंगे क्योंकि अभी भी उनको डिसाइड करना बाकी है और आपका कस्टमर बनना बाकी है। डिसाइड करने के लिए आप इन सारे स्टेप्स को कंटिन्यू रखो, 2-3 महीने तक आपको कंटिन्यूस रखना पड़ेगा, आपको एक दिन में रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। आप जब ये कंसिस्टेंसी रखते जाओगे तो आप देखोगे कि आपके कस्टमर धीरे धीरे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके बारे में जानना शुरू कर रहे हैं, फिर वो जाके आपके पेइंग कस्टमर बन पाएंगे और फिर आखिर में जिसे हम कहते हैं लॉयल कस्टमर्स, जो कि होता है एंड गोल किसी भी मार्केटिंग का। तो गाइस बस ये थे मेरे कुछ 5 स्टेप्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, और हाँ मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं जो कि आपकी मार्केटिंग में, बिजनेस में बहुत हेल्प करेंगे।